ट्रैवलिंग वाले भाजी वाले बिल्कुल स्लो पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे फोर्थ लेन में आए एकदम बाकी दोनों भाजियों को जैसे कहते ना शाबाश फास्ट कर लिया आगे लेके, कहते रुको 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 पापा क्या शिमला मिर्च चुकाने के लिए शिमला में जाना जरूरी है। वेलकम टू द डे 130 ऑफ डेली व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है डिनर टाइम पे, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा होगा कि कुछ हम लोग खास वीडियो बना रहे हैं वेजी भाजी के लिए, खास आज के दिन भाई आपके ट्रैवलिंग पाजी के पाजी वेजी पाजी में बहुत ज्यादा बिजी थे, और उसके साथ में कुकिंग पाजी भी पाव भाजी की वीडियो की राह तक रहे थे। ए मैन वेयर्स अ डिफरेंट हैट्स एट डिफरेंट टाइम्स, तो यू आर वेयरिंग नाउ 3 हैट्स, वेजी पाजी, ट्रैवलिंग पाजी, वेजी और कुकिंग पाजी। तो आज कुकिंग पाजी और वेजी पाजी की हैट्स यू वोर थ्रू आउट द डे, तो ट्रैवलिंग पाजी बेचारा वो वाली आज है। ये वेजी पाजी और कुकिंग पाजी ने कोशिश करी ट्रैवलिंग पाजी का साबुन स्लो करने के, पर ना 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 हमने बचा लिया उसको। पापा पाजी सबको बताते हैं कि भाई आज जो कल यानी कि आएगा एपिसोड नहीं, जो 2 घंटे बाद आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो डलेगी उसके 2-3 घंटे बाद वेजी पाजी की वीडियो आ जाएगी। थोड़ी ही चंद घंटों में या चंद साबुन तो फास्ट ही है ना, हाँ साबुन फास्ट है, थोड़ी देर में वेजी पाजी पे ये वीडियो आ जाएगा सेलिब्रेटिंग दिवाली। क्या टाइटल है अभी तेरा उसका? 24 घंटे ट्यूजडे को 24 घंटे वाले चैलेंज करते हैं, 24 घंटे वाले नहीं, क्या थंबनेल का टाइटल क्या होगा मुझे नहीं पता, वो तो बनाएगा वो एडिटिंग वाला पाजी और एडिटिंग वाले बड़े पाजी देखेंगे। तो भाई कुल मिला के मैं बता देता हूँ, नटशेल वो तुम्हारा एडिटिंग डिपार्टमेंट देखेगा, नटशेल ये है कि हाउ वी सेलिब्रेट दिवाली इन अवर हाउस राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, शाम में क्या खाया, रात में क्या खाया, ये उसका है, इसीलिए ये दिया जलाया। तो ये दिया जलाया तो मैं वहां पे बता रहा था कि दिया क्यों जलाते हैं, तो ये ट्रैवलिंग पाजी वाले पाजी एकदम जैसे फोर्थ लेन में आए एकदम बाकी दोनों पाजियों को जैसे कहते ना शाबाश फास्ट कर लिया आगे लेके, कहते रुको 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 पापा उसके लिए क्यों जलाया, इसका क्या स्पिरिचुअल मतलब है ये ट्रैवलिंग पाजी में बताना, वेजी पाजी में कछुए और खरगोश की कहानी, कछुआ ट्रैवलिंग पाजी निकल गया आगे जेस। आज दिन भर ट्रैवलिंग पाजी कछुआ बना हुआ था कछुआ बना और लास्ट एपिसोड में मैं ये बता रहा था दिया जलाते हैं, सबको पता कि भगवान रामचंद्र जब अयोध्या में आए थे वनवास के बाद तो सब लोग दिया जलाते हैं, एक तो ये कारण मेन तो है ही है कारण ये जलाने का, लेकिन दिया का एक स्पिरिचुअल और जैसे कहते होते हैं फिलोसफिकल रीजन भी है। तो जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है तमसो मा ज्योतिर्गमया, इसका मतलब है कि मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाओ, और ये अमावस की रात है, तो जो दिया हम पूजा में भी जलाते हैं इसका भी सिंबॉलिक मीनिंग ही है। जैसे बोलते हैं ना कि आपने वो स्पिरिचुअल में कई बार बोलते हैं अंदर की ज्योति देखो, या ऐसे वो करते हैं पूजा में भी कि उसमें तमसो मा ज्योतिर्गमया मीन्स मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ, अपने अंदर की लाइट जो है वो जलाओ ताकि हर तरह के अंधेरे से आप अपने ब्राइटनेस की तरफ जा सको, ब्राइटनेस ऑफ सक्सेस। अंधेरा मीन्स अंधेरा विद नेगेटिव कनोटेशन, यस लाइट मीन्स पॉजिटिव कनोटेशन। अब देख लो दोस्तों बात इतनी सी थी पर ये बात हम लोगों ने वेजी पाजी तक जाने नहीं दी, ट्रैवलिंग पाजी ने रोक ली। नहीं है भाई साहब ये बात बहुत बड़ी है, पर ये मतलब इसका एसेंस तो आपने 2 मिनट में बताया ना। हाँ नहीं वो बताया इसलिए कि टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास। हाँ वो तो हमेशा लगी रहती हमेशा है, हमेशा लगी रहती है। हाँ। हमें कंटेंट एकदम पैक करके देना होता ना। हाँ। कम में ज्यादा भाई ये दिवाली के टाइम पे पूरी मतलब दिवाली एक तरीके से रिक्रिएट करी ना, देखो लाइट वाइट लगा रखी है, सबने कुर्ते पहन रखे हैं, कितना बढ़िया माहौल हो रखा है। तो ये दिवाली के टाइम पे पूरे टाइम अभी तो ये चीजें अभी नहीं बताते, ये दिवाली पे जब दिवाली वाला व्लॉग आएगा तब देखने में मजा आएगा। हाँ ये तो तब ये तो वेजी पाजी वालों के लिए ना, ये तो आज ये ट्रैवलिंग पाजी पे एक्चुअल होता है, ट्रैवलिंग पाजी पे रियल टाइम चलता है, रियल टाइम चलता है, ट्रैवलिंग पाजी पे T+1 चलता है, रियल टाइम ऑफ द रियल टाइम विच वी विल बी डूइंग देयर, और या विच वी हैड बीन डूइंग जो हम करते आ रहे हैं, इसलिए उसका रियल टाइम है। चलो इसको बाद में करेंगे, ये जरूर देखना, ये जब दिवाली आएगी ना इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा एकदम तसल्ली से। ये मिड शूट वेजी बाजी का छोड़ दिया था खाना, अब अपना खाना कंप्लीट करेंगे और साथ में ये बगीचे वाली मिर्ची को टेस्ट करेंगे। स्पाइसी है, आज मैं पहली बार बगीचे की मिर्ची खा रहा हूँ। आपका नींबू कब आएगा? नींबू आने में हमें टाइम लगता है। फेस्टिव वाइब्स,
ये अच्छा लग रहा है एकदम मस्त लाइट। बस कवर्ड खुलेगी नहीं बट नहीं तो वो तो टेम्परेरी जुगाड़ है ना अभी। अभी हम लोग रील वाली दिवाली कर रहे हैं, रील्स वाली, इंस्टाग्राम रील्स। फिर क्या करा व्हाट्सएप का? क्या अरे यार भी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। कवर फिगर आउट हो गया? कवर हो गया, कवर तो कर नहीं, फिगर आउट कहाँ से हुआ, क्वालिटी देखोगे फिर पता चलेगा। बट मोस्ट प्रोबब्ली ये वाला ठीक रहेगा स्पाइगन का। व्हाट्सएप का ना हो जाएगा भाई, मैंने भी वहीं से करा था यार। मैंने अपना फोन जो है जनवरी नहीं दिसंबर आया, आपने देखा ये दुबई व्लॉग्स, उसी के एक हफ्ते बाद ही मैंने व्हाट्सएप का वो लिया था। उसका तो एक साल का मेरे पास उसका था। फिर मैं चेक कर रहा था कि उसके एक साल तक के तो सेंडर के रिसीवर के दोनों के डेटा था, बट 2019 का डेटा जो था जो बंदे ने अगर आपने मेरे को भेजा, आपकी और अपनी चैट देख रहा था उसमें आपने जो मेरे को 2019 में सामान भेजा वो मेरे पास नहीं है फोटोज में। अच्छा। जो मैंने आपको भेजा वो सब है मेरे पास। तो ये है, ये तो कोई डॉक्टर फोन वाली थी, वो मैंने ऐप ली थी उसमें ये इशू था। अब बाकी पता नहीं, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च करी थी उसमें मेरे को ये समझ आई थी। और भी अगर ऐप्स कोई है किसी ने एंड्रॉइड से व्हाट्सएप मूव करा डेटा मूव तो बताओ भाई, कमेंट्स में बताया जाए, कोई टेक एक्सपर्ट्स वगैरह हैं तो प्लीज बताएं। हाँ। Android to iPhone, WhatsApp data use, price to performance ratio ना मद्देनजर रखते हुए। हाँ। क्योंकि WhatsApp चार्ज बहुत सारी होती है, बहुत डेटा बैकअप होता है। पर यार आप मान के चलो कि आप Android से iOS जा रहे हो ना, तो कुछ तो WhatsApp का डेटा लॉस होगा ही, सारा डेटा नहीं मिलने वाला आपको। ये तो सोच ही लिया था पहले ही, WhatsApp नहीं मिलेगा, ट्रू कॉलर नहीं मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलेगा और भी एक आध चीज नहीं मिलेगी। बट देयर इज ऑल्सो गुड्स, प्राइवेसी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। मम्मा यार मैंने मिर्ची टेस्ट करी आपकी, बहुत टेस्टी थी यार। कब खाई? आज खाई। अरे दाल मखनी के साथ खाई, मस्त एकदम, ऐसे ना ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक वाली फीलिंग आ रही थी। घर की मिर्ची है ना? हाँ घर की मिर्ची है, ऑर्गेनिक वाली अच्छा थी। आ रही थी भाई थोड़ी, मतलब ऐसे आती है ना, स्पाइसी नहीं लगी तेरे को? मिर्ची वाली थी या नहीं थी? हाँ स्पाइसी थी, आधी बची हुई, आधी बची हुई, लेके आता हूँ। क्या मिर्ची वाली थी भाई? एकदम फ्रेश है अपने घर की मिर्ची, आपने खाई है? मैंने उस दिन खाई नहीं थी, एकदम मस्त जूसी, एकदम बढ़िया और तीखी भी थी, बताया था तीखी तो बहुत थी। कह रहा है ना ऑर्गेनिक वाली। हाँ एकदम ऑर्गेनिक वाली फील आ रही है, मतलब देखने में नहीं बता सकते ये बाहर की मिर्ची है घर की मिर्ची है, पर इसका टेस्ट ना वो क्रंच है। वो कोई केमिकल थोड़ी डाले हमने इसमें। हाँ ये बात भी सही है, तो फिर ऑर्गेनिक ही तो होगी बिल्कुल। ओह माय गॉड, आज सब लोग घर में तैयार हो चुके हैं, भजी बाजी का शूट करा हम लोगों ने। शिमला मिर्च उगाओगे? कोशिश कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं ना। क्या शिमला मिर्च उगाने के लिए शिमला जाना जरूरी है? जानने के लिए देखते रहिए ट्रैवलिंग बाजी के गंदे जोक्स। शिमला मिर्च उगाने के लिए दाएं बाएं ऐसी लगाना पड़े शिमला जैसा माहौल बनाने के लिए। लेकिन याद है जब हम शिमला गए थे, शिमला मिर्च थी, क्या गर्मी थी वहां पे। पर शिमला मिर्च पता है इसको क्यों बोलते हैं? इसको क्योंकि ये हॉट नहीं होती। सो जाओ सब, चलो गुड नाइट, सो जाओ, गुड नाइट। सब लोग आज एकदम रील वाली दिवाली के मूड में आ रखे हैं। मतलब कि टीपी में हमारी रियल शो चलता है, वेजी बाजी में रियल शो था, तो इसलिए सब वो क्रिएट करने के लिए तैयार थे। दिवाली आज हम लोगों ने दिवाली इनेक्ट करी, वो जैसे क्लास फोर में प्ले नहीं करते थे, सीन वन ब्रेकफास्ट, सीन टू और आज के रोमांचक दिन को एंड करते हैं सोन पापड़ी के साथ। और एक और फायदा पता क्या होता है ना अपने रूम में शूटिंग करने का, ये सारा का सारा जो खाना है ना, घर वाले तो सब सो गए तो ये मैंने ही खाना है। ये वाली लाइट्स इतनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम प्योर दिवाली की फील आ रही है। पहले मैंने सोचा कि दिवाली का चैलेंज है क्या क्या कर सकते हैं, फिर मैंने सोचा कि जैसे हम लोग दिवाली अपने घर में बनाते हैं, एकदम जो चीज़ ना हमारे घर में होती है वही चीज़ हम लोगों को दिखानी चाहिए, ज़्यादा ऐसे शूं शाज करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रैवलिंग बाजी का ब्लॉग तो जल्दी आ जाता है, साबुन फास्ट है ना ट्रैवलिंग बाजी वाले को। तो जो जो चीज़ें हमारे घर में होती है, और इवन ये सेम चीज़ें जो है ना दिवाली के दिन भी जब ये दिवाली का ब्लॉग डलेगा ना तब भी आप देखना, सेम चीज़ें जो वेजी बाजी के रील शूट में हुआ है वही रियल लाइफ शूट में होगा। बस फ़र्क क्या होगा, अभी जो है लाइटें बस ऐसी अलमारी पे लगाई है, तब जो लाइट्स है बाहर लगाते हैं बालकनीज में और घरों में लाइट लगाएंगे। अभी एक दिया जलाया था तो तब बहुत सारे दिए जलाएंगे। ये हमारी अलमारी जो है ना, मतलब बहुत अच्छा अभी इस्तेमाल हो रहा है इसका, पर ऑर्गेनाइज अभी तक हो नहीं पाई है। इसकी ये वाली शेल्फ और ये वाली शेल्फ में अभी तक सामान जो है बैग्स में पड़ा हुआ है, समय नहीं मिल रहा इनको ऑर्गेनाइज होने का, और आज तो ये बिल्कुल ही बंद हो रखी है।
चलिए अब आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। रात के अभी बज रहे हैं 3, अब सुबह उठेंगे ये ब्लॉग एडिट करेंगे। मौसम आज दिन भर जो है ना सही रहा, धूप निकली, बारिश मतलब कल ही बारिश हुई। आज के और कल के मौसम में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक फर्क है। चलिए गाइस ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर से मिलेंगे।